भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद एक ऐसी धार्मिक व सामाजिक संस्था है जो धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है, और रक्तदान में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, और इस बार कितने रक्तदान शिविर लगा रही है पूरे देश के अंदर और कितने पहले लगा चुकी है, आइए युवक सभा के सभी सदस्यों से यही जानते हैं। हमारे साथ समक्ष बैठे हैं राजीव जी, सबसे पहले तो आपका तेरा पंथ भवन आसी में तेरा पंथ युवक परिषद की तरफ से स्वागत करता हूं। 17 सितंबर 2022 को तेरा पंथ भवन आसी में हमारी पेरेंट संस्था है अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद, उसके तत्वावधान में हांसी शाखा तेरा पंथ युवक परिषद हांसी मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन करने जा रही है। उस दिन पूरे भारतवर्ष में 400 प्लस सिटीज़ के अंदर 2000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह एक मानवता का कार्य है जो हमारे तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रेरणा से हमारी संस्था करती है। हर साल ये कैंप लगाया जाता है, बीच में कोविड की वजह से एक दो साल कैंप शायद नहीं लग पाया है। उस हांसी जो हमारी संस्था है वो हांसी की रिकॉर्ड होल्डर संस्था है। एक दिन में 558 यूनिट हमने इसी हॉल में जिसमें हम बैठे हैं यहाँ एकत्रित किए थे। मोहित भाई उस समय शायद अध्यक्ष थे, मैं उसका संयोजक था। गुरुदेव की कृपा से बड़ा अच्छा रहा था। जितनी बार भी हमने कैंप लगाए हैं उतनी बार हम हमेशा अपने टारगेट से ऊपर जा करके हमने यूनिट एकत्रित की हैं। तो मानवता का कार्य करने के लिए संस्था ये स्थान कौन सा रहेगा आपको? ये यही तेरा पंथ भवन भारत सिनेमा वाली गली के अंदर। ये तो स्थानक है ना? हाँ जी, इसी के अंदर हमारा वेन्यू भी यही है। हमारा वेन्यू भी यही है, वेन्यू भी यही है, महिला पुलिस थाना के सामने भारत सिनेमा वाली गली जी। कितने यूनिट की आपको संभावना है? हम लोग तो यही रहे हैं कि हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है उसको हमें तोड़ दें, 558 से प्लस कर लें, तो वही टारगेट लेकर के टीम चल रही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से टारगेट अचीव होगा। कहते हैं रक्त रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, ये सबको पता है। 1 करोड़ रुपए में भी आप रक्त की एक बूंद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लेकिन ब्लड नहीं। ब्लड तो किसी न किसी के शरीर में ही बनेगा और नेचुरल बनेगा। चलो हम आपको साधुवाद देते हैं एडवांस में, और आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपका रक्तदान शिविर बहुत यानी कि ऊंचाइयों को छुए और ऐसे ही कार्य आप करते रहें। मैं अंत में आपके चैनल के माध्यम से अजय सैनी जी और को ये पूरी हांसी की जनता को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 17 सितंबर 2022 को यहाँ तेरा पंथ भवन में आकर के ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इससे बड़ा मानवता का कोई कार्य नहीं है। किसी की जान बचाना अपने खून के माध्यम से, आपको पता भी नहीं कि आपका खून किसको चढ़ेगा, किसकी जान बचेगी। ये गुप्त दान और एक महादान है। और कई भ्रांतियाँ भी हैं कि मान लो ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है या कुछ और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेट आप किसी डॉक्टर से पूछें, किसी से पूछें। हमारा 5वां ये कैंप है। आज तक हमारे कैंप के अंदर हज़ारों यूनिट इकट्ठी हुई हैं, और हमारी पेरेंट संस्था जो है वो तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और बाकी काफ़ी सारे रिकॉर्ड होल्डर, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड हैं। एक एक दिन में 1-1 लाख यूनिट हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी डोनर को कुछ हुआ हो। ये जो अखिल भारतीय आपकी ये जो जी ये गिनीज बुक ऑफ ये हमारा देखिए आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का है, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है, हमारा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। ये सारे सभी जितने जितने भी हमारे ये सारे अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के नाम से। देखिए राजीव जी, क्या था पहले 2014 से पहले हमारी संस्था सिर्फ धार्मिक कार्यों में सक्रिय थी, सामाजिक कार्यों में थोड़ा सा पीछे थी। तो हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने ये हमें एक मोटिव दिया कि सामाजिक कार्यों में भी आप अपना आगे योगदान दें। तो हमारी पेरेंट संस्था ने इस बीड़ा को उठाया, उसके पास अपना एक बेस बना बनाया है। इतनी सारी जो परिषदें हैं ये पहले से हमारी बनी बनाई हैं, सिर्फ गुरुदेव के इशारे से हमने 2012 में या 10 में ये कार्य 2012 से हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी। उसके बाद हमने 2014 में 2015 में 16 में और 18 में। धन्यवाद साहब, आप एक बहुत भागीरथ कार्य करने जा रहे हैं, और हमारी हांसी की आवाज़ की पूरी टीम, मेरे अजय सैनी एडिटर रवि सैनी की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और देखिए पूरे भारतवर्ष के सेलिब्रिटी हमें सपोर्ट मिल रहा है, चाहे कोई वो संस्था हो,
चाहे वो कोई किसी तरह का राजनेता हो, हर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है। कोई अपना एक्टर एक्ट्रेस हो, कुछ भी हो, मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबने हमें सपोर्ट किया है। सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोगों से आप प्रेरणा भी मिल किसी भी राजनीतिक हासी के भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हासी की भी जितने लोगों के पास हम गए हैं उन सब ने भी हमारा पूरा सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विशेष इस पे हमारा ये फोकस रहता है हमारे कैंपों पे। और 17 सितंबर जो है उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी रहता है उस दिन। तो सब बस सबके आशीर्वाद से संस्था इसी तरह कार्य करती रहेगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है कि हम लोग किसी, ये सहयोग है क्योंकि हमारी जो संस्था है वो राजनीतिक संस्था नहीं है, तो किसी राजनीतिक मोटिव से हम ये कार्य नहीं करते हैं। ये एक कोइंसिडेंस है, बाय चांस, बाय चांस। तो बस यही कहना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टी या कोई भी किसी भी संघ से ऊपर उठकर सभी मिलकर, ये हमारे एक नैतिक कर्तव्य है कि सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर सकें, हम ब्लड डोनेट करने के लिए हैं। धन्यवाद साहब। 13 सितंबर को स्थानक, 17 सितंबर को स्थानक, जन स्थानक में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 13 पंथ युवा सभा यहाँ हांसी के लगाने जा रही है। आप बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, हांसी की टीम का पूरा सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।